हेलो फ्रेंड्स, मस्तहार में आपका स्वागत है। मैं राधेश्याम आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक मस्त रेसिपी। आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का। ये हम घर पर बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो बहुत बढ़िया बनते हैं, झटपट बन जाते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। हमने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है, इसको हम काटेंगे। हमने पनीर टिक्का बनाना है तो हम इसी प्रकार से काटेंगे। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पीस कर सकते हैं, पर ये इस साइज के बढ़िया रहेंगे। हमने यहाँ पौना कप दही ली है, उसमें हम भुना हुआ जीरा डालेंगे 1 चम्मच। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और हमने 1 नींबू का रस निकाल लिया था वो डाल लेना है। 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर लिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला और धनिया पाउडर जो हमने 1 चम्मच लिया है। हम बस इतने ही मसाले डालेंगे फ्रेंड्स। हमने यहाँ 2 चम्मच ऑयल लिया है, हमने 1 चम्मच के करीब कस्तूरी मेथी ली है, इसको हम क्रश करके इसमें डालेंगे। कस्तूरी मेथी से इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। हमने 1 टमाटर, 1 प्याज और 1 बड़ी शिमला मिर्च, हमने इसको सबको मोटा मोटा काट लिया है। हमने अब इसमें पनीर डाल लेना है। मैंने यहाँ बेसन का प्रयोग किया है, बेसन से इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। आप यहाँ पर अरारोट भी ले सकते हैं, पर मुझे बेसन पसंद है इसलिए मैंने बेसन लिया है। हमने यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, हम इसको मिक्स करेंगे। हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। मैरिनेशन से इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। हमें 1 घंटा हो गया है, अब हम इसकी स्टिक लगाएंगे। हमने पहले सब्जियां लगानी है। मैरिनेशन से हमारे मसालों का टेस्ट इसके अंदर तक चला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से इसमें अपनी स्टिक लगा लेनी है। बड़े आराम से लग जाती है ये। हमने 1 लगा ली है, अब हम दूसरी लगा रहे हैं। आपको भी फ्रेंड्स इसी प्रकार से दोनों स्टिक लगा लेनी है। जो हमने इसमें सब्जियां डाली थी ना, उसका टेस्ट इसमें बहुत बढ़िया आता है। जब ये रोस्ट होती है तो इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी दोनों स्टिक के तैयार। हमने यहाँ ग्रिल मशीन ली है, हम इसको इस पे रखेंगे और हम इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते हुए पकाएंगे। जो हमने इसके अंदर ऑयल डाला था उससे ही हमारे पनीर बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और एक अच्छा फ्लेवर आता है। कस्तूरी मेथी डाली थी, जब वो फ्राई होती है इससे इसका टेस्ट और भी बढ़िया बन जाता है। यदि आपके पास टाइम हो तो आप स्टिक तैयार करके इसको 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। इससे ये हमारे और ड्राई हो जाते हैं और बढ़िया फ्लेवर आ जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हमने यहाँ 2 चम्मच बटर लिया है और हम इसको अब इसमें लगाएंगे। बटर से इसके अंदर एक बहुत बढ़िया खुशबू आती है, सौंधी सौंधी खुशबू आती है, बहुत स्वाद लगते हैं और ये हमारे पक जाते हैं
और इसमें एक सॉफ्टपन आ जाता है। फ्रेंड्स, आपके पास अगर ग्रिल नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी, आप इसको गैस पर मीडियम आंच पर पका सकते हैं, उस पर भी ये बहुत बढ़िया बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया लग रही है, जब ये रोस्ट होता है तो इसमें एक बहुत बढ़िया खुशबू आती है। लगभग हमारे ये पकने वाले हैं, देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया लग रहे हैं, इसमें बिल्कुल अच्छा कलर आ गया है रेस्टोरेंट स्टाइल में। जो इसके अंदर हमने सब्जियां डाली थी उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, पनीर से ज़्यादा तो वही अच्छे लगते हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया हमारे ये रोस्ट हो गए हैं, आपको ध्यान से निकालना है, गर्म है अभी। ये खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं, हेल्दी होते हैं और ये झटपट बन जाते हैं। यदि आपका मन कुछ करे खाने का हल्का फुल्का तो ये बहुत बढ़िया लगते हैं, हेल्दी होते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया लग रहे हैं। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।